हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ 8 नवंबर, इन विच वी विल कवर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर करंट अफेयर्स सेशन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज फास्ट रेडियो बर्स्ट। द फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट वॉज डिस्कवर्ड इन 2007, सिंस वेन साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स फाइंडिंग द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। जो पहला फास्ट रेडियो बर्स्ट था उसको डिस्कवर किया गया था 2007 में, जब साइंटिस्ट जो थे वो वर्क कर रहे थे, खोज रहे थे सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन को। इसेंशियली जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है वो ब्राइट बर्स्ट होता है रेडियो वेव्स का, जो कि रेडियो वेव प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के कारण, जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। इसका जो ड्यूरेशन है वो मिली सेकेंड स्केल पे होता है, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है इसको डिटेक्ट कर पाना और डिटरमाइन कर पाना इसका पोजिशन स्काई पे। नासा हैज रिपोर्टेड दैट इट ऑब्जर्व अ मिक्स ऑफ एक्सरे एंड रेडियो सिग्नल नेवर ऑब्जर्व बिफोर इन द मिल्की वे। और नासा ने रिपोर्ट किया कि इसने ऑब्जर्व किया है एक मिक्स ऑफ एक्सरे और रेडियो सिग्नल को, जो कि कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया था इसके पहले मिल्की वे में। जो एक्सरे पोर्शन है इस साइमल्टेनियस बर्थ का, उसको डिटेक्ट किया गया है बहुत सारे सैटेलाइट, जिसमें कि नासा का विंड मिशन भी है। फर्दर अ नासा फंडेड प्रोजेक्ट कॉल्ड सर्वे फॉर ट्रांसिट एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो एमिशन टू स्टेयर्स टू ऑल्सो डिटेक्टेड द रेडियो बर्स्ट। तो नासा का फंडेड प्रोजेक्ट है सर्वे फॉर ट्रांसिट एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो एमिशन टू स्टेयर टू, उसने भी डिटेक्ट किया रेडियो बर्स्ट को। पहली बार नोटिस किया गया था 2018 में कैनेडियन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इस वेव को, जो कि क्रिएट किया था रिपल्स अक्रॉस द ग्लोब, जो कि एक रीजन था इसका इस पैटर्न पे आने के लिए। दिस गेव बर्थ टू थ्योरीज दैट दे कुड बी फॉर्म एन एलियन सिविलाइजेशन। इसी से इस थ्योरी का बेस्ड बना कि ये जो है एलियन सिविलाइजेशन से हो सकता है। इनिशियली इस वक्त बिलीव दैट द कोलिजन ऑफ ब्लैक होल्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ट्रिगर देम। और इनिशियली ये माना जा रहा था कि ये जो कोलिजन होता है ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन का, उसके कारण ये होता है। लेकिन जो डिस्कवरी हुआ रिपीटेड फास्ट रेडियो बर्स्ट का, उसने इस थ्योरी को नकार दिया। ओरिजिन दोस्तों फास्ट रेडियो बर्स का, जो कि डिटेक्ट किया गया था अप्रैल में, द सोर्स ऑफ एफआरबी डिटेक्टेड इन अप्रैल इन द मिल्की वे इज अ वेरी पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार रिफर टू एज मैग्नेटार। जो सोर्स है एफआरबी डिटेक्टर का, जो कि अप्रैल में मिल्की वे में ऑब्जर्व किया गया था, वो काफी पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार था, जिसको कि मैग्नेटार भी बोला गया। मैग्नेटार जो कि लोकेटेड था कॉन्स्टिलेशन वल्पेकुला पे, और एस्टिमेट किया जा रहा था कि वो 14,000 से 41,000 लाइट ईयर्स अवे है। द फास्ट रेडियो बर्स्ट वॉज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटार मोस्ट प्रोलिफिक फ्लेयर अप्स विद द एक्सरे बर्स्ट लास्टिंग लेस देन अ सेकेंड। और जो एफआरबी है वो पार्ट था मैग्नेटिक मोस्ट प्रोलिफिक फ्लेयर अप का, जो कि एक्सरे बर्स्ट लास्ट कर रहा था लेस देन अ सेकेंड। अब मैग्नेटार है क्या? तो मैग्नेटार इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। मैग्नेटार एक टाइप है न्यूट्रॉन स्टार का। मैग्नेटार जो है वो मोस्ट पावरफुल मैग्नेट है कॉस्मोस का। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 5,000 ट्रिलियन टाइम्स मोर पावरफुल है देन दैट ऑफ अर्थ के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्राउन कार्बन टारबोल्स। अ स्टडी हैड फाउंड टारबोल्स फाउंड इन हिमालयन तिब्बतन प्लेटू। एक स्टडी ने पाया है कि टारबोल्स जो कि हिमालयन तिब्बतन प्लेटू पे पाए गए हैं, द परसेंटेज ऑफ टारबोल इंक्रीज ऑन डे ऑफ हायर लेवल ऑफ पॉल्यूशन एंड कुड कंट्रीब्यूट टू हैशनिंग ऑफ ग्लेशियल मेल्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो परसेंटेज है टारबोल का वो बढ़ जाता है डे के समय पे और हायर लेवल ऑफ पॉल्यूशन के कारण। और इसके कारण क्या होता है, ये ग्लेशियल को मेल्ट करा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। टारबोल आर स्मॉल लाइट एब्जॉर्बिंग कार्बोनेशियस पार्टिकल फॉर्म ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स दैट डिपोजिट ऑन स्नो एंड आइस। जो टारबोल है वो स्मॉल लाइट एब्जॉर्बिंग कार्बोनेशियस पार्टिकल है, जो कि बनता है बर्निंग के कारण बायोमास का व फॉसिल फ्यूल्स का, जो कि डिपोजिट हो जाता है स्नो व आइस पे। दे हेस्टन ग्लेशियल मेल्ट और ये बढ़ा देते हैं ग्लेशियल मेल्ट को। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्राउन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये जो है बनते हैं ब्राउन कार्बन के कारण, जो कि एमिट होता है जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। टारबोल्स वर एमिटेड फ्रॉम बायोमास बर्निंग इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। और जो टारबोल्स है वो इमिट होता है जो बायोमास बर्न किया जा रहा है इंडो गैंगेटिक प्लेन में, उस कारण भी। चिंता क्या है, तो जो टारबोल्स है फ्रॉम लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, उसको इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन क्लाइमेटिक इफेक्ट के लिए। और ये क्या है, एक सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लेशियल को मेल्ट कराने में हिमालयन रीजन पर, इसका काफी ज्यादा रोल है। ये आप इमेज देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी सोर्स, हाइग्रोस्कोपिक ग्रोथ हुआ, यहाँ से लॉन्ग वे ट्रांसपोर्ट हुआ, ये ग्लेशियर वाला आपका रीजन आ गया जहाँ पे ये टारबोल एकुमुलेट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवाधनम।
Avadhanam is an exciting literary performance that involves solving tricky literary puzzles, improvising poem, and tests the person capability of performing such multiple tasks simultaneously. जो अवधनम है वो एक एक्साइटिंग लिटरेरी परफॉर्मेंस है जिसमें कि सॉल्व किया जाता है ट्रिकी लिटरेरी पोजल्स को, इम्प्रूव किया जाता है पोएम को और टेस्ट किया जाता है पर्सन के कैपेबिलिटी को कि वो परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ये जो है ओरिजिनेट किया गया था संस्कृत लिटरेरी प्रोसेस के द्वारा और ये जो है रिवाइव किया गया जो पोएट थे तेलुगु और कन्नड़ में मॉडर्न समय के उनके द्वारा। न्यूज में क्यों आया, द वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू हैज ऑब्जर्व दैट अवधनम एज ए लिटरेरी फीट हैज ग्रेट कंट्रीब्यूटेड टू द तेलुगु लैंग्वेज ग्लोरियस ट्रेडिशन। वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू ने ऑब्जर्व किया कि जो अवधनम है एज ए लिटरेरी फीट के रूप में उसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तेलुगु लैंग्वेज के ग्लोरियस ट्रेडिशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपी। ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग प्रमोटिंग एंड बूस्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनकरेज करना, प्रमोट करना और बूस्ट करना एक्सपोर्ट को सॉफ्टवेयर का इंडिया से। द एसटीपी गवर्निंग काउंसिल चेयरपर्सन इज द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो एसटीपी गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन है वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपी इज इन्वेस्टिंग अप टू ₹400 करोड़ इन सेटिंग अप ऑफिस एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस सेवरल सिटीज ऑफरिंग स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म्स प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्ट कर रहा है अप्रॉक्स 400 करोड़ रुपीस सेटअप करेगा ऑफिस को ताकि जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके अलग अलग सिटीज में, जिससे क्या होगा जो स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म होंगे उसको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड स्टेटूटरी एंड अदर प्रोमोशनल सर्विस टू दी एक्सपोर्टर बाई इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम एसईजेड स्कीम एंड अदर सच स्कीम विच मे बी फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्टेड बाई द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका काम क्या है, तो प्रोवाइड करना स्टेटूटरी और अदर प्रोमोशनल सर्विस एक्सपोर्टर को, इम्प्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम और अदर सब स्कीम जो कि फॉर्मुलेट किया गया है व इंटरेस्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे। To promote micro, small and medium entrepreneurs by creating conducive environment for entrepreneurship in the field of IT, ITS. ये जो है प्रमोट करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम entrepreneurs को, क्रिएट करके कंड्यूसिव environment को entrepreneurship के लिए IT और ITS field में। To establish and manage infrastructure resources such as data com facility, project management and consultancy and IT support facility. ये जो है establish करता है और manage करता है जो infrastructure resource है, जैसे कि data com facility हो गया, project management हो गया और consultancy and IT support facilities हो गए। Next topic हमारा RBI data localization norm. The National Payment Corporation of India has allowed Facebook-owned messaging platform WhatsApp to start its payment service in the country in a graded manner. The National Payment Corporation of India (NPCI) उसने allow कर दिया Facebook-owned messaging platform WhatsApp को कि वो start कर सकता अपना payment service को country पे graded manner पे। NPCI has given its note to WhatsApp to offer payment service via unified payment interface. जो NPCI है उसने अपना permission दे दिया WhatsApp को कि वो offer कर सकता payment service को unified payment interface के माध्यम से। WhatsApp user can link their UPI enabled bank account and transfer money through the messaging app. WhatsApp user जो है वो link कर सकते हैं अपने UPI enabled bank account को, transfer कर सकते हैं money को messaging app के द्वारा। Unified payment interface or UPI is an immediate real time payment system developed by National Payment Corporation of India. जो unified payment interface है वह UPI है, वो एक immediate real time payment system है जिसको कि developed किया गया था National Payment Corporation of India के द्वारा। It was introduced in April 2016 as a pilot project and it is regulated by Reserve Bank of India. इसको introduce किया गया था April 2016 में एक pilot project के तौर पे और इसको regulate कौन कर रहा है, तो Reserve Bank of India. As per the data localization norms set by RBI, जो data localization norms set किया गया RBI के द्वारा, while there is no bar on the processing of payment transaction outside India, the payment system operation will have to ensure that data is stored only in India after the processing. कोई लिमिटेशन नहीं है जो प्रोसेसिंग है पेमेंट ट्रांजैक्शन का आउटसाइड इंडिया का, लेकिन जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है उसको इंश्योर करना होगा कि डाटा जो है स्टोर किया जाएगा सिर्फ इंडिया में उसके प्रोसेसिंग के बाद।
in case the processing is done abroad, the data should be deleted from the system abroad and brought back to India not later than the 1 business day or 24 hours from payment processing, whichever is earlier. The same should be stored only in India. और अगर जो processing abroad में होता है, उस केस में भी जो data है उसको delete करना होगा system से abroad के और वापस इंडिया पे लाना होगा 1 business day और 24 आवर के अंदर पेमेंट प्रोसेसिंग के, जो भी अर्लियर होगा ये जो है स्टोर करना होगा इंडिया में ही. द डाटा स्टोर्ड इन इंडिया कैन बी एक्सेस फॉर हैंडलिंग कस्टमर डिस्प्यूट व्हेन एवर रिक्वायर्ड. जो डाटा स्टोर किया जाएगा इंडिया पे उसको एक्सेस किया जा सकेगा हैंडल करने के लिए कस्टमर के डिस्प्यूट को जब भी जरूरत पड़ेगा. द पेमेंट सिस्टम डाटा मे बी शेयर विथ एन ओवरसीज रेगुलेटर इफ रिक्वायर्ड बट विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. जो पेमेंट सिस्टम डाटा उसको शेयर किया जा सकता है ओवरसीज रेगुलेटर से अगर जरूरत पड़ता है तो, लेकिन इसके लिए अप्रूवल लेना होगा आरबीआई का. Some bank, especially foreign, that had been permitted to store the banking data abroad may continue to do so. However, in respect of domestic payment transaction, the data shall be stored only in India. कुछ bank, especially foreigner, जिनको कि पहले से permit है कि वो store कर सकते हैं banking data abroad पे, वो continue करेंगे इस service को. लेकिन अगर domestic payment transaction है तो data को store करना होगा domestically India पे ही. The data stored domestically must include. जो data store किया जाएगा domestically India में, वो उसमें क्या include होना चाहिए? तो सबसे पहले तो end to end transcription detail होना चाहिए और जो information related होगा payment व settlement transaction से जो कि collect किया गया है व process किया गया है part of payment के अंतर्गत. इन्फॉर्मेशन सच एज कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, पैन नंबर, इसमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारे डोमेस्टिकली स्टोर होने चाहिए. पेमेंट सेंसिटिव डाटा सच एज कस्टमर एंड बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट क्रेडेंशियल सच एज एन ओटीपी, पिन, पासवर्ड. जो पेमेंट सेंसिटिव डाटा है जैसे कि कस्टमर और बेनिफिशियरी के अकाउंट डिटेल्स हो गया, पेमेंट क्रेडेंशियल हो गया जैसे कि ओटीपी, पीआईएन और पासवर्ड जो है, तो वो डोमेस्टिकली ही स्टोर करना होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन टीन्स रैंक लो ऑन बीएमआई अमंग शॉर्टेस्ट. अ रिव्यू ऑफ बीएमआई ऑफ वेरियस कंट्रीज वाज रिसेंटली पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल द लैंसेट. एक रिव्यू बीएमआई का अलग अलग कंट्रीज का रिसेंटली पब्लिश किया गया मेडिकल जर्नल लैंसेट में. द स्टडी कैरिड आउट अ ग्लोबल एनालिस्ट ऑफ डाटा ओवर 34 ईयर्स फ्रॉम 200 कंट्रीज. जो स्टडी कैरी आउट किया गया था ग्लोबल एनालिसिस ऑफ डाटा के द्वारा वो 34 इयर्स में फ्रॉम 200 कंट्रीज में. व्हाट इज बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स और हाउ इट इज कैलकुलेटेड. बीएमआई इज मेजर्ड एट द वेट इन केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर. बीएमआई को मेजर किया जाता है जो वेट है केजी में उसको डिवाइड किया जाता है स्क्वायर से हाइट इन मीटर्स पे. जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो 20 से 25 के रेंज में होता है. की फाइंडिंग क्या है ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया लैंसेट के द्वारा. द स्टडी हैज रैंक इंडिया एज द 196 स्पॉट विद रेस्पेक्ट टू बीएमआई. जो स्टडी है उसने इंडिया को 196 स्पॉट पे रखा है विद रेस्पेक्ट टू बीएमआई. अब 200 कंट्री पे इंडिया का 196 स्पॉट है तो यानी काफी खराब परफॉर्मेंस. इंडिया 19 ईयर ओल्ड बॉय एंड गर्ल्स हैव अ बीएमआई ऑफ 20.1. जो इंडिया के 19 ईयर ओल्ड बॉय व गर्ल्स है उसका बीएमआई सिर्फ 20.1 है. कंपैरेटिवली जब हम चाइना से कंपेयर करेंगे जिसका रैंक 88 है, इट्स बॉयज हैविंग अ बीएमआई ऑफ 23 एंड 199 है गर्ल्स के केस में, उसका बीएमआई है 22.2. इंडिया रैंक थर्ड एंड फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम रेस्पेक्टिवली अमंग कंट्रीज वेयर 19 ईयर ओल्ड गर्ल्स एंड बॉय हैव लो बॉडी मास इंडेक्स. और इंडिया का रैंक थर्ड है गर्ल्स के केस में और फिफ्थ है बॉटम से बॉयज के केस में जब हम कंपेयर करेंगे 19 ईयर ओल्ड बीएमआई को. कॉन्सर्न फॉर इंडिया, चिंता जो है इंडिया के लिए क्या है. एज बीएमआई इज अ फंक्शन ऑफ हाइट द कोरोलरी इज दैट इंडियन टीन्स आर ऑल्सो अमंग द शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड. जो बीएमआई है वो फंक्शन है हाइट का, ये बता रहा है कि जो इंडियन टीन्स है वो काफी ज्यादा शॉर्टेस्ट है वर्ल्ड में. फाइंडिंग ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट अथॉरिटी क्लेम दैट इंडियन चिल्ड्रन आर नॉट एज माल नोरिस और स्टंटेज एज दे यूज टू बी डिकेड अको. लेकिन जो फाइंडिंग है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अथॉरिटीज के क्लेम को कि इंडियन चिल्ड्रन जो है वो माल नोरिस व स्टंटेड नहीं है जैसा कि डिकेड अगो होता था. तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को. द स्टडी नोट दैट पुअर न्यूट्रिशन मे बी द रीजन बिहाइंड दिस. स्टडी नोट कर रहा है कि पुअर न्यूट्रिशन वो एक रीजन हो सकता है इसके कारण लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस. रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट प्रोमोलगेटेड द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020. अभी हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट ने प्रोमोलगेट किया जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस था 2020 का. इट विल फर्दर अमेंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996. ये जो है वो अमेंड करेगा जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 था उसको. द ऑर्डिनेंस एम्स टू इंश्योर दैट ऑल द स्टेक होल्डर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सीक कंडीशनल अनकंडीशनल स्टे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड वेयर द अंडरलाइंग आर्बिट्रेशन
arbitration agreement or contract or making of the arbitral award are induced by fraud or corruption. जो ऑर्डिनेंस है वो इंश्योर करेगा कि सारे स्टेक होल्डर जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले अनकंडीशनल स्टे का इन्फोर्समेंट से आर्बिट्रल अवार्ड का, जब जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट व कॉन्ट्रैक्ट है आर्बिट्रल अवार्ड है वो अगर इंड्यूस किया गया हो फ्रॉड व करप्शन के द्वारा. द ऑर्डिनेंस ऑल्सो डज अवे विद द एज शेड्यूल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 विच कंटेन द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर एक्रेडिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर. जो ऑर्डिनेशन है वो डज अवे कर रहा है जो एज शेड्यूल था आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 का, जिसमें कि नेसेसरी क्वालिफिकेशन था एक्रेडिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन का. दिस प्रोविजन हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम क्वार्टर्स दैट द कंडीशन प्रिस्क्राइब इन द लॉ came in a way of India getting the benefit of having foreign arbitrator. ये जो provision है वो उसको काफी criticism का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें जो prescribed law थे वो जो थे इंडिया का benefit कर रहे थे foreigner arbitrators को. Now the qualification based on which arbitrators will be accredited will be prescribed by regulation which will be framed by a proposed arbitration council. अब जो qualification जो कि based होगा arbitrator पे वो accredited होंगे prescribed regulations है, जिसको कि frame किया जाएगा एक proposed arbitration council के द्वारा. Till recently an arbitration award was enforceable even if an appeal was filed against it in the court under section 36 of the law. अभी तक क्या था, जो arbitration award था वो enforceable था even अगर appeal filed है against court में under section 36 of the law, उसके बावजूद ये enforceable हो जाता था. लेकिन court जो है grant stay लगा सकता था award में condition अगर उसको लगता है कि ये सही है. The provision will come into effect retrospectively from October 23rd 2015. और ये जो provision है वो effect में आ जाएगा retrospectively October 23rd 2015. नेक्स्ट हम लोगों ने आज जो पढ़ा उसको हम ब्रीफली रिवाइज कर ले कि आज हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना है हमारे टॉपिक्स में. तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा फास्ट रेडियो बर्स. इसमें हम लोगों ने देखा कि कब डिस्कवर किया गया, नासा का व्यू इस पे क्या है, देन इसके बारे में जाना, ओरिजिन देखा, फिर मैग्नेटार्स क्या है उसके बारे में देखा. आफ्टर दैट हम लोगों ने कंसीडर किया ब्राउन कार्बन टारबोल्स के बारे में. तो हम लोगों ने देखा किस एरिया में हिमालयन का, फिर टारबोल्स है क्या, कैसे बनते हैं और फिर क्या कॉन्सर्न्स है इससे रिलेटेड. देन हम लोगों ने किया अवधानम, तो है क्या ये, ओरिजिन क्या है और न्यूज में क्यों आया. आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया, तो इसमें किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, कब इस्टेब्लिश किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. देन आरबीआई डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, इसमें हम लोगों ने देखा किसने अलॉट किया, है क्या ये, फिर यूपीआई के बारे में जाना कि यूपीआई को कब इंट्रोड्यूस किया गया, फिर नॉर्म्स देखा, फिर डाटा जो स्टोर करने के लिए डोमेस्टिकली बोला गया है तो उसमें क्या क्या है. आफ्टर डेथ हम लोगों ने किया इंडियन टीन्स रैंकिंग लो ऑन बीएमआई अमंग शॉर्टेज, तो किसने पब्लिश किया इस रिपोर्ट को, फिर बीएमआई है क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें की फाइंडिंग क्या था इंडिया के रिलेटेड और क्या कॉन्सर्न है इंडिया को लेके. और लास्ट टॉपिक था हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस, तो ये है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या. Then subscribe our channel, like the video and share the video with your friend. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable suggestion. Thank you and have a nice day.